सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं युमथांग वैली की तरफ, और युमथांग वैली का रास्ता अभी यहाँ लाचुंग से अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, बिकॉज रास्ते में काफ़ी सारी मतलब साइट सीइंग के स्पॉट्स आते हैं, मतलब काफ़ी रिवर्स आती हैं और माउंटेन्स आते हैं, तो वो सब हम देखते हुए जाएंगे। और फिलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं गाइज। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद और फिर आप लोगों से मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, और आप लोगों को लेके चलते हैं युमथांग वैली। तो गाइज, हमारे होटल रूम से ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, बिल्कुल सामने आप जैसे देख सकते हैं वो एकदम सामने सीधा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ दिख रहा है, एक बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ इधर दिख रहा है, एंड एक में आपको एक्चुअली हमारा कॉर्नर वाला रूम है, तो इस साइड से भी हमें पूरा व्यू मिल रहा है और सामने से भी। गाइज, जैसा कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये सामने वाले पहाड़ पे भी ऊपर पूरे में सारे में बर्फ़ जमी हुई है, और वहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा वाटरफॉल नीचे गिर रहा है, और ये कुछ पूरा लाचुंग टाउन का व्यू है। एंड सामने जैसे कि आप देख सकते हैं वो हैंगिंग ब्रिज है, मतलब सस्पेंशन ब्रिज जिसको कहते हैं, वो रिवर के ऊपर है, और उस पर से एट अ टाइम एक ही गाड़ी अलाउड होती है, तो आज हम लोग दोबारा से उस पर आएंगे। तो ऑन द वे टू युमथांग वैली, एंड गाइज बहुत ही मतलब एक अलग ही दुनिया है, बहुत नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पहाड़ है, और मतलब बहुत इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि जहाँ तक आपके सिर ऊपर करके नज़र देखो वहाँ तक पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखेंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे गाइज, पूरे सारे में यहाँ पे जैसे एवलांच आया हुआ है ऊपर से, तो यहाँ पे सारे में बर्फ़ जमी हुई है गाइज, और काफ़ी स्टीप रोड है यहाँ की, एंड सामने भी आप देखे गाइज इतना ऊँचा पहाड़ है वो, मतलब कैमरे में तो पता नहीं इतना कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं, बट रियल में देखने में काफ़ी गाइज बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ अगर हम जा पाएँ तो कितना सही रहेगा। तो गाइज अभी हम लोग युमथांग वैली से अराउंड 2 किलोमीटर्स पीछे रुके हुए हैं, यहाँ पे कुछ टी स्टॉल्स वगैरह हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, और मैं एक आपको यहाँ पर एक काफ़ी स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ गाइज, ये देखिए यहाँ पे सारे में स्नो जमी हुई है, सारे में बर्फ़ है, यहाँ पे मैं आपको अपने हाथ में लेके दिखाऊंगा, ये देखिए गाइस। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड युमथांग वैली, एंड जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे पहाड़ हैं और नीचे एक रिवर बह रही है। तो हमारी जो गाड़ी थी वो वहाँ खड़ी थी, और मतलब जो हमारे ड्राइवर भी है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ तक पैदल पैदल नीचे ट्रैकिंग करके जाओ, और वहाँ से पूरा हमें रास्ता कवर करके, और आगे एक ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज काफ़ी अच्छा है, वहाँ से फिर हमें आगे जाना होगा। तो सो अभी हम लोग फाइनली रिवर बेड पर पहुँच चुके हैं, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी ठंडा पानी है, और ये एकदम हम बिल्कुल वैली के बीचों बीच में खड़े हुए हैं अभी, और रिवर जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब काफ़ी शांत रिवर है, मतलब ज़्यादा फ्लो नहीं है पानी का, और पानी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ठंडा भी है पानी, काफ़ी ठंडा पानी है गाइस, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी एक अच्छी वाइब जा रही है यहाँ पर, और नीचे आके थोड़ी सी हवा ठंडी हो गई है, बट स्टिल आज धूप अच्छी है, तो इस कारण से आज ज़्यादा ठंड नहीं लग पा रही है। काफ़ी एडवेंचरस ब्रिज है, काफ़ी डर भी लग रहा है बिकॉज हैंगिंग ब्रिज है, तो अभी चलते हैं और मैं आपको आगे का दिखाता हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस पर नीचे से रिवर फ्लो हो रही है और हवा खूब तेज़ चल रही है यहाँ पर, तो अभी हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस कर लिया, और काफ़ी डर भी लग रहा था, काफ़ी एडवेंचरस तरीके से हमने ब्रिज क्रॉस किया, क्योंकि इस पूरे ब्रिज पर हम लोग अकेले हैं और काफ़ी हवा चल रही है, और गाइस जो व्यू है ना यहाँ का, जस्ट मतलब जस्ट बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का, और पीछे आप मेरे देख सकते हैं सारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा डिनर हो चुका है और अभी हम लोग अपने रूम में आ गए हैं, और गाइस कल हम लोग वापस गैंगटॉक जाएंगे, तो अगेन 5-6 घंटे की जर्नी रहने वाली है कल हमारी, और आज युमथांग वैली में काफ़ी मज़ा आया, और काफ़ी वहाँ चारों तरफ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पर स्नो से कवर्ड माउंटेन्स थी, और एक
बीच में छोटी सी रिवर बह रही थी, उसके ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज था, वो हम लोगों ने क्रॉस किया, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्लस आते टाइम मतलब काफ़ी सीनिक स्पॉट्स थे जहाँ पे हम लोगों ने फोटोग्राफ्स वगैरह भी क्लिक किए। तो ओवरऑल इट वॉज अ मतलब आई कैन से इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड कल हम लोग जाएंगे इधर गैंगटॉक की तरफ, एंड मिलते हैं आपसे कल गाइस। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू माय यूट्यूब चैनल।